अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सनशाइन मॉर्निंग में सालिन और इन आपको खुश आमदीद कहती है। यकीन करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का लाख शुक्र है। नाज़रीन, आज हमारा मौजू बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही कहते हैं ना कि इंफॉर्मेटिव है। हम आपको बहुत कुछ आज बताएंगे आज आपको अपने शो में, क्योंकि हमारा मौजू है जी एहतियात दवा से बेहतर है। एहतियात दवा से क्यों बेहतर है? क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, मतलब अगर हम बाहर जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो सड़क क्रॉस करते हुए हम ये नहीं सोचते हैं कि गाड़ी यहाँ से आ रही है या यहाँ से आ रही है। क्योंकि आज हमारे कराची का तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वन वे है, अगर गाड़ियाँ यहाँ से आती हैं तो जरूरी नहीं है यहाँ से भी किसी टाइम आ सकती है। जिस तरह जिसको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, वो वहां अपनी गाड़ी को लेकर चला जाता है। तो इस वजह से जरूरी है कि अगर हमने एहतियात नहीं की तो अल्लाह ना करे 100 बार बट चोट भी लग सकती है हमें। अगर यहाँ से बाइक वाला आ रहा है, हमें चोट लग गई, पैर पे चोट लग गई या हाथों पे चोट लग गई, तो जाहिर सी बात है उसके बाद हम जाते हैं दवाओं की तरफ। तो इस वजह से कहते हैं कि एहतियात जो है वो दवाओं से बेहतर है। क्योंकि आप खड़े रहें, देखें इधर उधर आसपास, देखें कोई गाड़ी नहीं आ रही है, आराम से इत्मीनान के साथ रोड क्रॉस करें। और इसी तरह से जब हम किचन में, खवातीन स्पेशली जब किचन में काम कर रही होती हैं, उनको ये ख्याल नहीं होता कि टीवी भी देख रही हैं, सब्जियां काट रही हैं, सब्जियां काटते काटते अल्लाह ना करे उनके हाथ पे चोट भी लग सकती है, फिंगर पे कट भी लग सकता है। तो उसके बाद फिर वो दवाओं की तरफ जाएंगी, कुछ बैंडेज वगैरह लगाएंगी या फिर कोई मेडिसिन लेंगी। तो मेडिसिन से बेहतर है कि आप एहतियात कर लें, टीवी जरूर देखें काम करते हुए, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारे काम में आसानी हो जाती है, काम करते हुए दिल भी लगता है। कुछ लोग सिंगिंग करते हैं, खुद गा रहे होते हैं, कुछ लोग सॉन्ग सुन रहे होते हैं, ताकि इससे ये होता है कि फौरी फौरी कहते हैं कि भी काम जल्दी हो जाता है, बड़ी आसानी से होता है। तो जरूरी है ये सब जिंदगी में, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी कि आप एहतियात करें, रोड क्रॉस करते हुए एहतियात करें। खवातीन किचन में काम कर रही होती है उसमें एहतियात बरतनी चाहिए बहुत ज्यादा। और इसके साथ ही अगर आपको कोई एक मर्ज है, वैसे तो कहते हैं ना कि अल्लाह ना करे 100 बार, इस वजह से कहती हूँ कि वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बीमार पड़े। हर किसी को अल्लाह पाक सेहतमंद रखे, दराजी उम्र बिल खैर अता करे, बट होता तो ये है ना कि कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा, पता है होता है क्या, हमें अगर थोड़ी सी तबीयत हमारी खराब होती है तो हम खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, खुद से मेडिसिन ले लेना, सर में दर्द है टैबलेट्स ले लेना, पैरों में दर्द है टैबलेट्स लेना, मेडिसिन खुद से लेना, मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं। अब पता है कि मेडिकल स्टोर वाले भी जो होते हैं उनको भी इतना पता नहीं होता है, वो पता है क्या कर रहे होते हैं, कहते हैं कि हाँ हाँ बाजी आप ये वाली टैबलेट ले लें, ये वाली मेडिसिन ले लें, बहुत ही अच्छी है। और सम टाइम हम ऐसा भी कर रहे थे कि हमारी फ्रेंड ने जिस चीज के लिए मेडिसिन ली है, उसके पेट में दर्द है, उसे पूछ लिया कि भाई तुमने पेट के दर्द में ये वाली टैबलेट ली थी, बहुत ही यूजफुल है, अब मैं भी वही लूंगी। हमें नहीं पता होता है कि हमारा जो बॉडी होता है ना, कि ह्यूमैनिटी किस इंसान के अंदर कितनी ज्यादा है, किसी इंसान के अंदर कम होती है, किसी इंसान के अंदर कुवत मुदाफ़त बहुत ज्यादा होती है, तो वो बर्दाश्त कर सकता है, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि जब हम किसी एक चीज के लिए मेडिसिन लेते हैं तो हमारी दूसरी चीज खराब हो रही होती है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप मेडिसिन ले, अगर आपके सर में दर्द है तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लें, क्या पता आपका बीपी डाउन हो, या क्या पता आपका बीपी हाई हो बहुत ही ज्यादा, और ऑलरेडी आप किसी मर्ज में मुब्तला हैं, और जब दूसरी मेडिसिन लेते हैं तो उसकी वजह से और भी तबीयत खराब हो जाती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जब भी ऐसा हो कि, क्योंकि खवातीन के अंदर बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि भाई बीपी लो हो गया, डाउन हो गया, हाई हो गया, फीवर हो गया, तबीयत खराब लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करें भाई, अपनी तरफ से कुछ भी कुछ लेना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। अच्छा, पता है क्या करना चाहिए, जब बीपी डाउन लग गया, आपको पता भी है आपको कि वाकई आपका बीपी डाउन है, तो फिर आपको करना चाहिए लेमन पानी का इस्तेमाल, क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है और गर्मियों में बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल भी फिट रहे। और गर्मियों में बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि सुस्ती हो रही होती है, काहली हो रही होती है, कुछ कोई काम करने को दिल नहीं चाहता ज्यादा, थोड़ा सा कुछ कर लो तो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि थकान महसूस हो रही होती है कि ओहो अब दिल नहीं चाह रहा कुछ और करने को, सफाई तो कर ली है घर की, अब बर्तन धोने को दिल नहीं चाह रहा, खाना पकाना है, टाइम भी नहीं है, अब क्या करूं। अच्छा, पता है बात खवातीन क्या करती है, जब बहुत ज्यादा थक जाती हैं तो वो आराम करने लग जाती हैं। आराम करें आप, बट कुछ खाने पीने के साथ साथ, क्योंकि जब हम खाते पीते हैं तो ऐसा होता है कि जिस्म के अंदर कुछ जाता है तो ताकत मिलती है, जब ताकत मिलती है तो सब कुछ ऑलरेडी अच्छा लग रहा होता है। तो खाने पीने का ख्याल रखा करें खवातीन, स्पेशली इस वजह से उनको फोकस कर रही हूँ। जितने भी मर्द हजरात जो हैं वो रिपीट में प्रोग्राम जब देखेंगे, अभी मॉर्निंग टाइम तो होते नहीं है वो घर पे, जब रिपीट में प्रोग्राम देखेंगे कहेंगे सहूलियत तो सिर्फ खवातीन के बारे में ही बातें कर रही होती है, क्योंकि वो खुद भी खातून है ना, इसलिए
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी, मैं सबसे कह रही हूँ क्योंकि वो घर पे ज्यादातर औरतों का काम इतना ज्यादा होता है ना कि वो बिचारी, मैं तो बिचारी कहती हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, उसके बाद साफ सफाई, बर्तन, खाना लगाना लोगों के लिए, अपने बच्चों को खिलाना, उसमें वो इतना ज्यादा टायर्ड हो जाती है कि सम टाइम तो खाना नहीं भी खाती है, सो जाती है जाकर। तो खाना खाया करें और साथ साथ दूध भी पिया करें, दूध पीना बहुत ही जरूरी है जी। और लड़कियां जो स्पेशली आजकल की जो यंगस्टर्स हैं, उनको पता है क्या होता है, वो नहीं पीती हैं दवाइयां, खा लेती हैं खाना, दूध नहीं पीती हैं दवाइयां खा लेंगी कि नहीं भाई बस ठीक है मैं ऐसे फिट हूँ, और मुझसे दूध नहीं पी जाती है, ही खाती है, उसकी स्मेल लगती है। तो कोई फ्लेवर डालकर आप पी सकते हैं भाई दूध, और दूध बहुत ज्यादा जरूरी है, दूध के बारे में बातें करेंगे हम। और एहतियात दवा से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एहतियात करें ताकि दवा की नौबत ही ना आए। मेडिसिन लेना कोई अच्छी बात नहीं होती है जी, आपकी जिस कहते हैं ना कि जब कोई नया ड्रेस होता है, कोरा कपड़ा आप लेकर आते हैं और उसको बार बार धो धो कर पहन लेते हैं, तो वही वाली हालत हमारी जिस्म की हो जाती है कि भाई जब हम हमारी बॉडी बहुत ही अच्छी रहती है, बट हम बहुत ज्यादा मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी भी खराब हो जाती है, फैटनेस भी होती है, बहुत ज्यादा जिसामत का बढ़ना, ये भी दवाओं की वजह से होता है, और इसके साथ ही साथ अंदर से ताकत नहीं मिल रही होती है। तो ठीक है जी, इंट्रो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया मेरा, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अपनी जितनी भी माएँ बहनें देख रही हैं उनको मैं बताऊं कि एहतियात क्यों जरूरी दवाओं से। ये नहीं कि आप सिर्फ दवा लेती रहें और आपकी बॉडी अपनी सेहत को खराब करें। तो जी अभी हमारा हो चुका है यहाँ पर योगा सेगमेंट का टाइम, तो अभी हम योगा देखेंगे, और योगा भी बहुत जरूरी है क्योंकि बाद में होता है ना जोड़ों पट्टों का दर्द शुरू हो जाता है, तो जोड़ों पट्टों का दर्द शुरू ना हो, प्रॉब्लम ना हो, तो इससे पहले हमें चाहिए कि हम एहतियात करें, अपनी बॉडी को फिट रखें। फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए जी, सुबह सुबह के टाइम योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, और जितनी भी खवातीन है उनको स्पेशली मैं यही कहूंगी कि अगर जिस टाइम भी आपको टाइम मिलेगा, सुबह के टाइम टाइम नहीं मिलता, शाम के टाइम कर लें, दोपहर में कर लें, रात में कर लें, बट जरूर करें जी। और उसके साथ ही साथ अपने खाने पीने का ध्यान रखें। अभी हम चलते हैं अपने फिटनेस ट्रेनर सायरा गफ्फार की तरफ, उनसे पूछेंगे कि वो हमें क्या बता रही हैं, क्या दिखा रही हैं जी। उसके बाद हम जाएंगे ब्रेक, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे और इसी टॉपिक से रेलेवेंट गेस्ट हैं, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें हम करेंगे जी। आप आज का शो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, लाजमी देखिएगा, और फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है सनशाइन मॉर्निंग का, लाइक करें, टेक्स्ट करें, फीडबैक दें, और साथ ही साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 02135890271 पे कॉल करें और हमारे मेहमान से बात करें। अभी हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सायरा जी? मैं ठीक हूँ। सायरा क्या दिखा रही हैं आज आप हमें? क्या दिखा रही हैं, मैं आज स्ट्रेचिंग से शुरू करूंगी और कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी, एक दो योगा स्टेप बताऊंगी। ओके जी प्लीज। ठीक है, तो एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले तो आपको अपना मूड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका मूड नहीं है एक्सरसाइज का तो फिर आप जिस इस तरह से कह सकते हैं कि फिर आप आपकी जो वर्कआउट है वो इफेक्ट नहीं करेगा आप पे, और आप उसको एक दिल से भी वर्कआउट को नहीं करेंगे। इस तरह वर्कआउट के लिए आपका सबसे पहले मूड का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको फिटनेस किट को वेयर करना होगा, क्योंकि जब तक आप फिटनेस ड्रेस, फिटनेस कॉस्ट्यूम नहीं पहनते तो आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ही मैं अपने वर्कआउट का स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग मैंने हर बार, मैं जब भी आती हूँ आपको स्ट्रेचिंग के बारे में जरूर गाइड करती हूँ कि स्ट्रेचिंग क्यों और किस लिए होती है। स्ट्रेचिंग हमारी बॉडी के लिए इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है कि हम कह सकते हैं कि जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे जो इंजरी होने का खतरा नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि अक्सर फला ट्रेनर ने हमारे मसल्स को वो कर दिया, पुल कर दिया, हमारे यहाँ पर पेन हो रहा है डिफरेंट जगहों पर, और बाज़ जगहों पर तो बहुत ज्यादा एक बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। तो इन तमाम मसलों के बारे में, ये तमाम मसले जो हैं वो मतलब खत्म हो सकते हैं अगर हम स्ट्रेचिंग से अपने वर्कआउट का स्टार्ट करें। तो स्ट्रेचिंग से करते हैं, आज करते हैं हम नेक से स्ट्रेच, क्योंकि बॉडी में हमारा फर्स्ट नेक होती है। 5 सेकंड होल्ड, जब आप अल्टरनेट करेंगे तब आपका एक रैप होगा। और हमेशा वर्कआउट करते हुए अपने फेस पे स्माइल दीजिए, इस तरह आपको लगेगा कि आप फ्रेश फील कर रही हैं। 5 सेकंड होल्ड करने, अल्टरनेट आपको 10 के 2 सेट्स करने। जब आप अल्टरनेट करते हैं यानी लेफ्ट राइट करते हैं तब आपका एक रैप होता है, इस तरह आपको 10 के 2 सेट्स करने हैं। देन फुल डाउन,
स्किन टच करनी है, देन अप 5 सेकेंड होल्ड इट. जब फेस अप जाएगा हमें अपना जो आई कांटेक्ट है वो भी ऊपर फोकस करना पड़ेगा. देन साइड स्ट्रेच. टैन के टू सेट्स. आर्म स्ट्रेच 10 के टू सेट्स. जब हम अल्टरनेट करते हैं यानी लेफ्ट राइट करते हैं तब हमारा एक रैप होता है. इस तरह हमें 10 के टू सेट्स करने हैं. देन बैक स्ट्रेच. बैक को अंदर की तरफ लेनी है और जब हम अपना जो पोजीशन है अप करेंगे देन अप. इस तरह 10 का एक्सरसाइज. अब स्ट्रेचिंग तो हमने बहुत कर ली, अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास डंपल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर डंपल से भी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है. आप जॉगिंग करें, रनिंग करें, कार्डियो करें, लेकिन आज मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ आर्म्स की. आर्म्स की एक्सरसाइज के लिए आपको सबसे पहले अपने हाथ उठाने होंगे स्ट्रेट, देन राउंड सर्कल. टेन का एक साइड करना है, देन अदर साइड 10 करेंगे तब आपका एक सेट होगा. जब दोनों डायरेक्शन करेंगे तब आपका एक सेट होगा. इस तरह आपको 10 के टू सेट्स करने हैं फॉर बिगनर्स. ये हो गई आर्म्स एक्सरसाइज. इसके बाद मैं बता रही हूँ आपको शोल्डर वर्कआउट. शोल्डर वर्कआउट इसको वार्म अप भी कह सकते हैं. हाथ जो है वो फुल, बहुत ज्यादा भी ओपन नहीं होंगे, जस्ट इस तरह से हम हल्का सा स्ट्रेट हाथ रखेंगे. बहुत ज्यादा मूव नहीं करना, ज्यादा फोकस हमारे शोल्डर पे हो. साइड चेंज. इस तरह 10 के टू सेट्स करने हैं. अब मैं आपको बता रही हूँ लास्ट एक्सरसाइज के बाद मैं आपको एक दो योगा स्टेप बताऊंगी. एक्सरसाइज मैं आपको लास्ट ये बता रही हूँ फॉर लेग्स के लिए किक्स. साइड एंड फ्रंट किक्स. जिन लोगों की थाइस, जिन लेडीज की थाइस बहुत ज्यादा हैवी होती है उनको किक्स में जाहिर सी बात है उनको बहुत ज्यादा मसला होगा स्टार्टिंग में, इसलिए वो हाई किक्स ना करें, वो लोअर से शुरू करें लाइक दिस. और 10 का एक सेट, देन अदर साइड 10 का एक सेट. साइड एंड फ्रंट. जब लेफ्ट राइट करेंगे तब आपका एक सेट होगा. फॉर बिगनर्स 10 के टू सेट्स. फॉर बिगनर्स 10 के टू सेट इज कॉल्ड अ किक. इसको कहते हैं किक्स. किक्स हमारी थाइस को कम करने में, उसको टोन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. अब मैं बता रही हूं आपको लास्ट योगा स्टेप.
योगा स्टेप के लिए हमें सबसे पहले बैठना होगा इस तरह से, बिल्कुल बिल्कुल इजी फील करना है आपको, किसी भी तरह का स्ट्रेस मसला इन सबको आपको बिल्कुल पीछे छोड़ देना, अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा दूर। ठीक है, मैं देखिए आपके सामने इस तरह से बैठ गई हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई आ रहा है आपकी सास आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आपका फैमिली मेंबर कुछ भी आपको कोई भी बात कह रहा है, जस्ट उसको स्ट्रेस को अपना खत्म कर देना, जस्ट बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। ठीक है, महंगाई के बारे में भी नहीं सोचना, किसी भी चीज के बारे में इस वक्त नहीं सोचना है, घी तेल वॉट एवर। ठीक है, अभी जस्ट आपको अपने योगा पे फोकस करना है, और योगा होता है इसीलिए। तो इस तरह से मैं बैठ गई हूँ, आर्म्स फुल स्ट्रेट, चेस्ट अप, बैंड थंब एंड फिंगर, एक शहादत की उंगली और एक थंब लेना है, उसको एक दूसरे से बैंड कर देना है, हाथ बिल्कुल सीधे, चेस्ट अप, शोल्डर अप, फेस अप, ऊपर की तरफ देखना है, आंखें फुल खुली हुई। अब एक लंबी सी गहरी सांस लेनी है, होल्ड करना है, फिर रिलीज। जितने सेकंड आप स्टार्टिंग में होल्ड कर सकते हैं, स्टार्ट जैसे आप 10 सेकंड से लें, इसके बाद आप अपने सेकंड्स बढ़ाते जाएं, क्योंकि इस तरह जो आपका जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाता है। और वैसे योगा के बहुत सारे स्टेप हैं, मतलब जैसे कह सकते हैं कि बैक का टमी का डिफरेंट पार्ट्स कम करने के लिए हम योगा का इस्तेमाल करते हैं, बट ये स्ट्रेस के लिए। अगेन इसको आपको 4 से 5 बार करना है, आंखें बंद कर देनी है जब आप इनहेल करें, पेट पुश टमी, अच्छा मुंह से सांस लेना है और फिर नाक से छोड़ना है। ठीक है, यह मैंने आपको योगा के स्टेप करवा लिया, स्ट्रेस फ्री योगा स्टेप। ठीक है, इससे इनहेल एक्सहेल करने से आपका स्ट्रेस कम होता है। तो आज मैंने आपको बहुत सारी एक्सरसाइज बताई है, स्ट्रेचिंग बताई स्टार्ट में, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को करना कभी ना भूलिएगा। ठीक है, चाहे आपको जितना भी जल्दी हो अपनी लाइफ में। और इसके साथ मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, और एक्सरसाइज के बाद मैंने लास्ट आपको योगा स्टेप बताया। और लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि आप प्लीज अपने डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और जब आप अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू होते हैं, यानी खाने पीने में जब आप एहतियात करते हैं, तो आपको ये तमाम चीजों मोटापे वगैरह का शिकार आप नहीं हो सकते। और इसके अलावा एक्सरसाइज को, योगा को अपनी रूटीन में जरूर रखिए, जिस तरह आप फैशन को या फिर शॉपिंग को, ये तमाम चीज़ों को अपनी आपने लाइफ का हिस्सा बनाया हुआ, इस तरह फिटनेस को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, और डाइट करते रहें, दूसरों को भी करवाएं, एक्सरसाइज करते रहें, दूसरों को भी करवाएं, और खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। ठीक है, इसी के साथ ही हम अपने एक्सरसाइज का सेगमेंट खत्म करते हैं, और हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। तो ब्रेक से वापस आएंगे, तो आपको कभी कहीं नहीं जाना है, और मैं आपसे मुलाकात करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग सारा गफ्फार।